नमस्ते, मेरा नाम आयुष है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। 6 दिसंबर 1992, वो दिन जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। राव ने अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को संसद में भाषण दिया। भाषण में राव कई बार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट और वहां के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं। ये भाषण राव की लिखी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में छपा है। हम आपको प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के भाषण के मुख्य पॉइंट्स बताएंगे उन्हीं के भाषण से छांटकर। राव के इस भाषण में सफाई है, शिकायत है, घटनाक्रम है, अफसोस है और एक वादा है। हम एक एक करके इन हेडिंग्स के नीचे उनकी कही बातें बताएंगे। पहले नरसिम्हा राव की सफाई सुनिए। हमने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी थी कि हमारे अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में तैनात सुरक्षा बल पर्याप्त नहीं है। 30 नवंबर 1992 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस कमी की ओर खींचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि केंद्र सरकार के सुझावों पर ध्यान दें। केंद्र सरकार ने 24 नवंबर 1992 को ही अयोध्या के नजदीक कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया था, ताकि जब भी राज्य सरकार को आवश्यकता हो तो कम से कम समय में सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जा सके। फिर उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने बलों का इस्तेमाल करने की बजाय हमारे इस काम की आलोचना की और इन्हें वापस बुलाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार के इस काम की वैधता तक को चुनौती दे डाली। राज्य सरकार केवल बम निरोधी दस्ते और स्निफर डॉग स्क्वाड लेने के लिए मानी, और वो भी तब जब केंद्र सरकार ने ढांचे पर विस्फोटकों से संबंधित हमले की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया। मुख्यमंत्री के विचित्र और अड़ियल रवैये के बावजूद अयोध्या के आसपास तैनात अर्धसैनिक बल को सचेत रहने को कहा गया था, ताकि मौका पड़ने पर वो राज्य सरकार के लिए उपलब्ध रहे। इसके बाद राव ने पूरा घटनाक्रम बताया। 6 दिसंबर 1992 को प्रारंभिक सूचना ये थी कि स्थिति शांतिपूर्ण है। रामकथा कुंज में एक सार्वजनिक सभा के लिए करीब 70,000 कारसेवक इकट्ठे हुए थे। उन्हें संघ परिवार के वरिष्ठ नेता संबोधित कर रहे थे। चबूतरे पर लगभग 500 साधु संत पूजा की तैयारियां कर रहे थे। 11:45 से 11:50 के बीच लगभग 150 कारसेवक बाड़ को तोड़कर चबूतरे पर चढ़े और पुलिस पर पथराव करने लगे। लगभग 1,000 कारसेवक ढांचे में जा घुसे और लगभग 80 कारसेवक ढांचे को गुंबद पर चढ़कर उसे तोड़ने लगे। लगभग 12:20 तक परिसर में करीब 25,000 कारसेवक थे, जबकि एक बड़ी संख्या बाहर जमा हो रही थी। 2:20 पर 75,000 लोगों ने ढांचे को घेरा हुआ था, ज्यादातर इसे तोड़ने में लगे हुए थे। 6 दिसंबर की शाम तक ढांचे को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ऐसा समझा जाता है कि मुख्य पुजारी ने ढांचे के भीतर से रामलला की मूर्ति को हटा लिया और कथित रूप से मूर्तियों को फिर से रखकर उनके ऊपर एक टीन शेड डाल दिया। फिर राव ने अफसोस जताया, कई बलिदानों के बाद स्वतंत्रता हासिल करने वाला देश इस क्रूर घटना का साक्षी बना। हमारे प्राचीन देश में सदियों से अनेक मत और संप्रदाय रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के लोगों को प्रेरित किया है। धर्म मान्यताओं और संप्रदायों की यही बहुलता भारतवर्ष की पहचान रही है। सांप्रदायिक ताकतों ने इस पवित्र विश्वास को तोड़ा है। विनाश की पागलपन भरी दौड़ को रोकने के लिए हर संभव उपाय किया गया, हर राजनीतिक और संवैधानिक उपाय को अपनाया गया, ताकि हम विवेक और बुद्धि से काम ले सकें। यही एकमात्र तरीका है जिससे कोई प्रजातांत्रिक और सभ्य देश काम कर सकता है। इसके बाद राव ने वादा किया, मेरी सरकार इन ताकतों के खिलाफ खड़ी होगी। इस घिनौने कार्य के लिए भड़काने वाले लोगों के खिलाफ हम संविधान के अनुसार सख्त कार्रवाई करेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि कानून तोड़ने वाले ऐसे लोगों को अवश्य पकड़ा जाएगा, फिर चाहे वे कोई भी हो। इस भाषण के अंत में नरसिम्हा राव ने एक और वादा किया और कहा, मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था, सरकार इसका पुनर्निर्माण कराएगी। अयोध्या विवाद पर लगातार अपडेट्स दे रहा है दी लल्लन टॉप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लें।